आज पूरे मुसलमान भाइयों को 4% रिजर्वेशन है। आज केसीआर ने भी वादा किया था, क्या हुआ केसीआर का वादा? आज तक क्यों वो बात नहीं करते? एक मरतबा असेंबली के इलेक्शन भी हो चुके हैं, फिर एक मरतबा आपके बीच में आके वोट पूछने आ रहे हैं, क्या यही बार बार आप लोग ये जानने की कोशिश क्यों नहीं करते कि केसीआर बार बार हमेशा आपको धोखा दे रहा है, धोखा दे के आपके वोट पूछ रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा ये नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा आपकी तरक्की के लिए, आपकी बच्चों की तरक्की के लिए, आपकी आवाज की तरक्की के लिए काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने आज इतिहास क्या रहा है, जब तक इतिहास अगर पढ़ेंगे, जब तक इतिहास के बारे में आप जानने की कोशिश करेंगे, तो हमेशा कांग्रेस पार्टी आपके बीच में रहा है, कांग्रेस पार्टी आपका कीमत किया है। आज बोलापुर के हर घर में अगर मेरी आवाज जा सकती है, आप लोगों को मैं यही बात बताना चाहता हूँ, आज पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। आज पूरे हिंदुस्तान इसलिए खतरे में है क्योंकि आरएसएस के लोग हर गली में जाके अपील कर रहे हैं कि मोदी को वोट दीजिए, हर प्रदेश के हर गली में जाके लोगों से अपील कर रहे कि मोदी को वोट देने के लिए, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी आपके बीच में आई है, ये बात बताने के लिए आपके बीच में आई है। अगर आज किसी को सबसे ज्यादा जरूरत है तो कांग्रेस पार्टी को आपकी जरूरत है, आपकी सोच की जरूरत है, आपकी वोट की जरूरत है। बोलकर भी मैं आपसे बताना चाहता हूँ साथियों, पिछली मरतबा इलेक्शन से पहले कई वादे हुए थे, लेकिन आज इलेक्शन हो चुके हैं, 4 महीने भी हो चुके हैं, फिर एक मरतबा अगर हम भोलापुर का दौरा करके देखेंगे, आज पिछली बार मैं बोलते नगर भी गया था, कई बस्तियों में भी घूम चुका हूँ, आज हमारे लोग ये लोग पूछते हैं कि पानी का प्रॉब्लम हो रहा है, हो रहा है कि नहीं पानी का प्रॉब्लम? अगर पानी का प्रॉब्लम हो रहा है तो जहां का फॉर्मर क्या कर रहा है, यहाँ से लोग हिंदुस्तान को 4 टुकड़े में भाग दिया जाएगा, 4 टुकड़े में ऐसा भाग दिया जाएगा
का हमारा जो सोच है सोच में गलती कर देते हैं। हो सकता है एक दिन के लिए हमारे पास 500 रुपए आएंगे, एक दिन के लिए हमारे पास 1000 रुपए आएंगे, हो सकता है एक दिन के लिए हमारे पास 10,000 रुपए भी आएंगे, लेकिन एक बार तो वो सोचिए जो राहुल गांधी जी चाहते हैं हर एक अकाउंट में महिला 6,000 रुपए आएंगे। साथियों आज समय आ चुका है अगर हिंदुस्तान को खास करके अनिल कुमार यादव साहब जिन्होंने पिछले 10-15 साल आपके खिदमत में काम किया है, जिन्होंने हमेशा आपके बीच में रहा है, जिन्होंने हमेशा आपके हर हालत में हर मुसीबत में आपका साथ दिया है, आज अगर सबसे ज्यादा किसी की जरूरत है आपकी जरूरत अनिल कुमार यादव साहब को है, आपकी जरूरत की जरूरत अनिल कुमार यादव साहब को है। आज मैं आपके एक मतलब आपको अपील करना चाहता हूँ आने वाले 11 तारीख को आपका हाथ के निशान वोट दीजिए अनिल कुमार यादव साहब को, हर अच्छे से चाहिए।